हेलो एवरीवन, हम लोग आज बनाने वाले हैं स्पंज मसालेदार डोसा। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 1 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल एंड 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हमने चूड़ा लिया है। तो ये जो चावल और उड़द है ना, इसे हमने ऑलरेडी ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था, बट आपको चूड़ा को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसे नॉर्मली आपको इन सब मतलब इन तीनों चीज़ों को नॉर्मली जैसे ग्राइंड करना है वैसे आपको ग्राइंड कर लेना है। बस एक स्मूथ बैटर या पेस्ट आप कह लीजिए, उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा, इसको एकदम फाइनली पेस्ट हम लोग बना लिए हैं। एंड इसे बस इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए और कवर करके रख देंगे। और एंड जब इसको हटा रहे हैं कवर करके, तो अपने मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग स्पंज डोसा के ऊपर जो मसाले वगैरह डालेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं प्याज, जो कि करीबन 3 से 4 प्याज है। इसको स्लाइसली हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे। एंड 2 से 3 टमाटर को चॉप कर लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं यहाँ पर हमने, और ये आपका जो लाल मिर्ची है ये कश्मीरी लाल मिर्च है। एंड यहाँ पर कड़ी पत्ते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच है। एंड 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची है, ये सांभर मसाला है करीबन 2 से 3 चम्मच। ये 2 से 3 चम्मच तिल है, वाइट वाला जो तिल होता है ना वो। बस ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। तो रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग 1 कप पैन में तेल लेंगे एंड इसमें हमारे जो चॉप्ड किए हुए प्याज है, अनियंस, वो इसमें डाल देंगे। एंड जब तक अनियन का कलर चेंज नहीं हो जाता इसे हमें फ्राई करना होगा। ये देखिए अनियन सॉफ्ट एंड इसका जो कलर है दोनों चेंज हो चुके हैं। एंड अब इसमें हम लोग अपने टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है इसमें नमक डालने का, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है टमाटर के साथ वो और फास्ट हो जाए एंड जो टमाटर को आपको स्मूथ स्मशी बनाना है ना वो बन जाए। तो इसमें स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए अपने वाइट वाले जो तिल आपने लिया था ना वो, एंड अच्छा से एक स्टर दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करना होगा एंड अब इसको आराम से आपको फ्राई करना होगा जब तक आपके जो टमाटर प्याज तिल है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते हैं। बट उससे पहले इसमें हम लोग डाल देंगे अपने चॉप किए हुए हरी मिर्ची। अब मिर्ची आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो हमने 2 से 3 छोटे छोटे साइज़ की ग्रीन चिलीज ली थी। बस जैसे हमारा जो टमाटर प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, स्मशी हो जाए, इसमें हमने सांभर जो मसाला लिया था वो डाल देंगे, धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ते, कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल देंगे। अगर इसमें आप चाहें तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं, जैसा कि आपको बोले। अगर आपको इसको और स्पाइसी करना है तो इसमें और भी मिर्ची आप इसमें डालिए एंड इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करिए। फ्राई तो वो हो चुका है, अब उसको साइड कर दीजिए एंड अपना जो बैटर रेडी किए थे ना उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालिए। मसाले में आपने नमक डाला है सो बी केयरफुल। इन सबको डाल के नमक डालने के बाद अच्छे से सबके साथ मिक्स करिए। जैसे ही आपने नमक मिक्स करा है ना, अब इसे स्मूथ और एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें ऐड कर दीजिए ईनो। तो ईनो ऐड करते ही इसमें थोड़ा सा आपको पानी डालना होगा, पानी इधर उधर नहीं, ईनो के ऊपर ही डालिएगा, ताकि सारे चीज़ों के साथ ये अच्छे से जब मिक्स होना तो बराबरी सब जो ईनो है हर जगह जाए, हर कॉर्नर में पहुंचे मसाले के एंड ये फ्लफी एंड एकदम स्मूथ सा हो जाए। इन सबको मिक्स करिए, देखिए आपको चेंजेस अपने सामने दिख रहा होगा। अब बस इसे हमें और थोड़ा सा पानी के साथ करना होगा, ताकि हमें एक रनिंग बैटर भी नहीं बनाना है और ना ही एकदम थिक बैटर बनाना है। तो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होने के बाद उसे हटा दीजिए। अब एक पैन में हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, फ्लेम को लो रखिएगा। इसके ऊपर मसाले डालने हैं आपको तेल के ऊपर, ठीक है। एंड फिर उसके ऊपर से आपको इसमें अपना जो डोसा का जो बैटर आपने रेडी करके रखा था ना वो इसमें डाल देना है। बहुत ही हल्के हाथों से आराम से आपको डालना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, इसमें कोई बात नहीं है। और अगर आप चाहे ना तो बिना मसाले के साथ भी स्पंज डोसा बना सकते हैं, ट्रस्ट मी वो बहुत अमेजिंग लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान रहेगा। क्योंकि मसाले की तैयारी नहीं करनी, बस नॉर्मली आपको चीज़ों को ग्राइंड करके बना देना है। खैर यह हम लोग मसाला वाला स्पंज डोसा बना रहे हैं, सो आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हमने इसको करीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ा था एंड जो बैटर है वो अच्छे तरीके से मसाले के ऊपर स्प्रेड हो गया है। एंड इसको हम लोग फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद ये देखिए इसको वापस से लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। बहुत ही आसान है और इतना हेल्दी कि आप इसको ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, हम तो लंच में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बन के हो चुका है रेडी। इसको सर्व कीजिए थोड़े से बादाम की चटनी के साथ एंड बाय बाय।